शहर की साफ सफाई और सुंदरता को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने निरीक्षण किया। दुकान के बाहर सफाई व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर जुर्माना वसूला गया। शहर की सुंदरता और साफ सफाई को लेकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एक्शन मोड पर नजर आए। दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, सीईओ अश्वनी देवांगन व निगम अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगम अधिकारियों को साफ सफाई की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग व्यवस्था को बिगाड़ गंदगी फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर ने देर शाम न्यायालय परिसर के आसपास व कलेक्टेड क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुछ दुकानदारों ने और फल ठेले वालों ने सड़क पर कचरा बिखरा दिया था। इस पर कलेक्टर ने उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि शहर आपका है, शहर की सुंदरता की जिम्मेदारी भी समझिए। वहाँ मौजूद जिन दुकानदारों ने गंदगी फैलाई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और तत्काल कचरा डस्टबिन में डाला। साथ ही निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि गंदगी फैलाने वाले लोगों से 500 रुपए जुर्माना अर्थदंड वसूले। साथ ही दुर्ग कलेक्टर ने 2 घंटे न्यायालय परिसर, बिजली ऑफिस, पटेल चौक से होते हुए हिंदी भवन के सामने से उतई टेम्पो चौक तक साफ सफाई और व्यवस्था का जायजा लेकर सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों व बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने की समझाइश दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।